फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल कुमार। और दोस्तों, आज हम बीआरसी फुलका आए हैं वन विभाग की टीम के साथ। और यहां हमें कॉल आई थी कि कोबरा सांप देखा गया है, तो हमारे आते आते वो सांप इस टंकी में चला गया था, तो हमने इस टंकी को डुबाया है। और अब हम लोग इस टंकी में जो है पानी छोड़ेंगे, और पानी छोड़ने के बाद उम्मीद है कोबरा सांप जैसे ऊपर आएगा फिर हम लोग उसको रेस्क्यू करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। तो जैसा आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बड़ा कोबरा इस टंकी में घुसने के बाद कही गई है, और ये इसके स्लैब हटाने का काम चल रहा है। और थोड़ी देर में स्लैब हटने के बाद हम लोग इस कोबरा का रेस्क्यू करेंगे। बीच में लगाओ, देख सकते हैं ये स्लैब साफ हो चुका है, और अब ये लोग हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसे हटाने के बाद जैसे सांप दिखेगा हम उसे रेस्क्यू करेंगे। सूखा है पूरा ना? हाँ, सूखा है, वो सब पानी नहीं। अच्छा, ठीक है। कहाँ दिख रहा है? कोना में दिख रहा है, वो तो दूसरा है। वो दूसरा कहाँ कहाँ लग रहा है? मरना है, आप छोड़िए। तो आप देख सकते हैं ये कोबरा स्नेक, काफी देर हम लोग को मेहनत लगी, हम लोगों ने काफी पानी छोड़ा उस टंकी में, तब जाके हमें ये स्नेक दिखा है। और बहुत अग्रेसिव है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग इसे रेस्क्यू करेंगे। ठीक है, जगह का नाम बताइए। छोटा डब्बा है, छोटा वाला डब्बा दीजिए ना पीछे से। छोड़ तो मना जाएगा, चपा करके सीन आ जाएगा, कुछ आ जाएगा। ना अब कहूँ नहीं जाए। अरे साहब को पानी लो। कला पन्नी छे ने चोर करे छे कला पन्नी छे। मुंडे नीचे गिरा हुआ है, मुंडे ऊपर जाएगा तब। अच्छा, तो उनको आइडिया है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ये स्नेक जो है बहुत एग्रेसिव था। ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, और ज्यादा बड़ा नहीं है, ये मीडियम साइज का यंग स्नेक है। तो ऐसा स्नेक जो है अक्सर बाइट करता है तो पूरा अमाउंट में जहर छोड़ता है, और काफी खतरनाक सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि ये छोटा है जिसके कारण ये ज्यादा डर जाता है और एग्रेसिव होकर ज्यादा से ज्यादा जहर छोड़ के बचने की कोशिश करता है। तो इन लोगों ने हमें कॉल किया, और हमने आके इसका अच्छी तरह सेफली रेस्क्यू कर लिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारे रेस्क्यू वीडियो जरूर पसंद आएगा।
तो मिलते हैं अगली बार फिर स्नेक के साथ। आपका अपना स्नेक लवर निर्मल कुमार, धन्यवाद।